हाय गाइस वेलकम बैक टू अनदर एपिसोड ऑफ इंदौरी चटोरे। तो यार भी आज एक नए व्लॉग सर आप सबने फिर से आ चुके हैं। आज हम कहाँ आए हैं? आज हम लोग वहाँ आए हैं जहाँ से इंदौरी चटोरे की स्टार्ट हुई थी। हम लोग आए हैं GSITS कचोरी पॉइंट पे, जिसका नाम है जनता कचोरी कॉर्नर। जनता कचोरी कॉर्नर जिसका नाम है, जो है कल तरु के सामने लिंटन स्क्वायर पे। जब पहला व्लॉग शूट किया था ना तब भी यहाँ आए थे, और आज हमको लगा कि वापस से चल गए, यहाँ की कचोरी खाना चाहिए और आपको बताना चाहिए कैसा है। तो जल्दी से स्टार्ट करते हैं, बिना स्किप कर देखना, बहुत मजा आएगा। तो यार भैया ये है अपना जनता कचोरी कॉर्नर। एड्रेस एक बार आपको जल्दी से बताऊं तो भैया ये है अपना सामने कल्पतरु और ये है लिंटन स्क्वायर। यार बिल्कुल बारिश का क्या है यार, बहुत अपन ब्लॉग करने निकलते और बारिश आ जाती है, पर ठीक है, कोई उसके ग्रजेस नहीं है हमारे को। ये है भैया जनता कचोरी एंड कैफ है, मतलब अगर आपको वहाँ कचोरी नहीं खाना है तो आप यहाँ कैफे में आके भी कचोरी खा सकते हैं। एड्रेस एक बार आपको जल्दी सुनो, ये है धेनु मार्केट और सामने ओका स्टेशनरी जो यहाँ बहुत फेमस है उसका रेफरेंस आप ले सकते हैं। तो यहाँ पर आपको ना सिर्फ कचोरी नहीं, आपको समोसे और कचोरी की वैरायटियाँ भी मिलेंगी, और बेक समोसे से लेके बहुत सारी चीज़ें आपको यहाँ मिलेगी। तो कभी आओ तो यहाँ आओ, यहाँ भी बड़ा सा मेन्यू आपको दिख जाएगा। जूस वूस भी मिलते हैं भैया यहाँ पे। तो यार जल्दी से अपन कचोरी खाते हैं, आपको बताते कैसा है टेस्ट। वैसे चीकू भैया यहाँ का टेस्ट आपके हिसाब से कैसा है? बहुत ही बढ़िया, बहुत ही बढ़िया है। तो यार यहाँ पर आप देख सकते हो कितनी क्वांटिटी में यहाँ पर आलू की कचौरी मिलती है। बिल्कुल जी भैया, आलू की कचौरी प्याज और हरी चटनी और मिर्ची के साथ मिलती है। क्या बात है भैया, कौन सी चटनी है ये? इमली चटनी। क्या बात है, और ये प्याज अपना प्याज है। क्या प्राइस है कचौरी की? दस रुपए की। कितनी बढ़िया सी कचौरी, जल्दी से मेरे को टेस्ट कर लो एक बार। बिल्कुल ठीक है, जल्दी से जी। तो यार भैया देख सकते हो आप, ये आलू की कचौरी गर्मा गर्म, मतलब जब भी ऐसा होता है कि कभी घर से कोई यहाँ रहता है ना, तो यहाँ से कचौरी जरूर आती है घर पे। क्या बात है, आप लोगों ने खाई है कि नहीं कमेंट करके बताना। खाई है तो कितनी कचौरी एक बार में खा लेते हो? ये कचौरी जो है मैं आपको जल्दी से टेस्ट करके बता दूँ कैसी है। बिल्कुल, मैं ना आई बटन में ना हमारा सबसे पहला वाला वीडियो के लिंक डालूंगा, उसके अंदर हम लोगों ने टेस्ट करी थी कचौरी, वो वीडियो भी देखना अगर नहीं देखा है अभी तक। तो मेरे को आधी कचौरी तो खत्म कर दी, एक और लेना पड़ेगी। क्या बात कर रहे हो यार, ये जो कचौरी है ना, ये पहले व्लॉग के टाइम जब खाई थी, मतलब जब हमने पहला व्लॉग शूट किया था 2018 तब भी इसका टेस्ट वैसे ही था, आज इसका टेस्ट वैसे ही है। क्या बात है, देन टू मजा आ जाता है। 10 रुपए की कचौरी में पेट भर लो, स्वाद भी ले लो, और इंदौर में मतलब एक अलग जेंट्री है जिसको यहाँ की कचौरी खाना पसंद है। बिल्कुल, यार मिक्को ने तो टेस्ट कर ली थी कचौरी, बट मैंने बोला यार एक बार मैं भी टेस्ट करके देखता हूँ कैसा क्या टेस्ट है। वैसे तो अभी रिसेंटली मैं अकेले खा के गया था यहाँ पर। ले पकड़, वीडियो चालू कर दे यार। मेरे को इतनी बढ़िया बारिश में हाथ में गरम गरम कचौरी मिल जाए, मैं 2-3 बार बोल चुका हूँ ये, बट ये सच में है, अंदर से निकल रहा है। जल्दी से इसको एक बार टेस्ट करके देखते हैं। थोड़ी सी चटनी लगाओ, थोड़ा सा प्याज लो, प्याज तो पूरी कचौरी के अंदर ही डाल देना चाहिए मेरे हिसाब से। तो बारिश एकदम से तेज हो गई है बहुत ज्यादा यार, मेरे को मजा आ गया। बहुत ही बढ़िया आलू की कचौरी है, मैं इसको प्याज नहीं बोलूंगा, मैं इसको प्याज की चटनी बोलूंगा, क्योंकि प्याज के साथ इसके अंदर है ना कुछ एक सीक्रेट इंग्रेडिएंट मिक्स रहता है, इसकी वजह से टेस्ट बहुत अच्छा आता है। अगर आ रहे हो लिंटन स्क्वायर पे, अगर आ रहे हो हाई कोर्ट लिंटन स्क्वायर या मालवा व्हील, यहाँ की कचौरी ट्राई करना बनता है। मैं चाहता तो शेड में भी खड़ा रह सकता था, बट यहाँ पर बारिश में खड़े रह के भैया को बोलना, भैया एक ग्लास चाय दे देना। एक कप बोलते वैसे तो, एक कप बोल लो, एक ग्लास बोल लो, और वो पीने के बाद है ना अलग मजा आने वाला है। मतलब देख रहे हो हवाबाजी चीकू है, कितनी एकदम बारिश में खड़े होके चाय पीना है। इधर आ जाओ शेड में, यहाँ पे थोड़ा
वो मुझे अदरक दिखा इसलिए मैंने आपसे एक बार पूछा। थोड़ी सी बारिश कम हुई तो मैंने अब इतना जल्दी से अपन पी के देख लेते हैं चाय कैसी है। बहुत ही बढ़िया, इसके अंदर दूध का टेस्ट बहुत अच्छा आ रहा है, अदरक भी आ रहा है, बहुत ही बढ़िया। और बहुत सारे लोग बोलेंगे कि चिकू भैया उसके अंदर है ना पानी गिर गया था ऊपर से, मतलब गिर गया तो गिर गया यार, चाय अलग रहती है पानी अलग रहता है, भगवान का आशीर्वाद है, भगवान का आशीर्वाद समझ के पी लेते हैं। बाकी यार हम लोग को ना मतलब ये जो जगह है ना जनता कचोरी, इससे हम लोग को अलग ही एक प्यार है क्योंकि हमारा पहला व्लॉग यहाँ का था और बहुत सारी मेमोरीज जुड़ी हुई है इस चीज को लेकर। बिल्कुल सही है, तो अगर आपको वीडियो अच्छा लगा हो तो लाइक करना बनता है और चैनल को सब्सक्राइब कर लो जल्दी से। अच्छा कमेंट करके बताओ यहाँ के घर के रेट क्या है। जी सर आपको कैसी लगती है यहाँ की कचौरी? बहुत ही बढ़िया। आप कब से खा रहे हैं? अरे बहुत, 20 साल है। 20 साल से आप कचौरी खा रहे हैं यहाँ पे, वाह 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 वाह। भैया आपका नाम बता दीजिए सबसे पहले, आपका नाम क्या है? चलो आ जाओ भाई। जी दीपक। तो दीपक भैया अपनी शॉप कब से है? मैं यहाँ काम करता हूँ 10 साल। आप यहाँ काम कर रहे हो 10 साल से? अच्छा तो यहाँ पे जो अपनी कचौरियाँ मिलती है वो सिर्फ आलू की मिलती है जैसा हमको पता है, आपने बताया था। तो मेरे को ये बताओ कि जो अपने दर्शक है, जो अपने व्यूअर्स है, जो अभी तक यहाँ नहीं आए हैं कचौरी खाने के लिए, उनको आप क्या मैसेज देना चाहते हो अपने एंड से कि भैया यहाँ क्यों आना चाहिए? कचौरी अच्छी बनाते हैं अपन, अपनी कचौरी अपनी 5 एक और दुकान है जनू मार्केट में। हाँ वहाँ पे आलू कचौरी, समोसा, सैंडविच, पास्ता, मैगी मैगी। अच्छा वहाँ सब मिलता है? एक मिनट सब मिलता है वहाँ। अरे वाह 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 सही यार, चलो बढ़िया बढ़िया। मतलब एग्जैक्ट लोकेशन अगर मैं पूछूं तो कहाँ पर है? धेनु मार्केट में। मतलब धेनु मार्केट बोलेंगे तो अपनी दुकान मिल जाएगी आराम से। आराम से। चलो ठीक है बढ़िया बढ़िया। तो यार गाइस ये था वीडियो जनता कचोरी कॉर्नर का, जहाँ पर हमने खाई SGSITS की मोस्ट फेमस आलू की कचोरी। मैं बोलूं बिल्कुल। तो यार बहुत अच्छा टेस्ट है, बड़ा अच्छा लगा। बारिश आ रही है पर ठीक है, हमको कोई दिक्कत नहीं। अगर आपको व्लॉग में मजा आ रहा है तो लाइक करो, कमेंट करो, सब्सक्राइब करना ना भूलो और शेयर कर दो। इसी नोट के साथ वीडियो को एंड कर देते, वीडियो को लाइक कमेंट शेयर सब्सक्राइब फिर से कर देना। तब तक के लिए साइनिंग ऑफ। और यहाँ का जो प्याज की चटनी रहती है ना, मैं इसको प्याज चिकू भैया कहाँ गए? क्रिसमस आप कर रहा हूँ और गंदा कर दिया। ठीक है अच्छा लग रहा है। एक कुछ सोच रहा हूँ यहाँ पर एक घर ले लूँ। वो ऊपर वाला है ना, सबसे ऊपर वाला। ऊपर वाला नहीं मतलब एक थोड़ा सा पार्ट के ना 10% घर दे दो ऐसा। ज्यादा हो गया ना ये?